अभिनेत्री महिमा चौधरी का। सुपरहिट फिल्म परदेश से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने वाली महिमा चौधरी को वह सफलता कभी दोबारा नहीं मिल पाई जो उन्हें फिल्म परदेश से मिली थी। निजी जीवन में बेहद हंसमुख और मिलनसार स्वभाव की महिमा के साथ कई अभिनेताओं के अफेयर चर्चित रहे हैं। महिमा चौधरी ने कुछ साल पहले दबी जुबान में निर्माता निर्देशक सुभाष घई पर कास्टिंग काउच का भी आरोप लगाया था, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है। महिमा चौधरी ने साल 2006 में बॉबी मुखर्जी से शादी की, जो पेशे से एक आर्किटेक्ट हैं। हाल ही के दिनों में दोनों की तलाक की खबरें भी आईं, जिसे महिमा ने मात्र अफवाह माना। महिमा चौधरी की एक बेटी भी है जिसका नाम है आर्याना। महिमा चौधरी का वास्तविक नाम ऋतु चौधरी है। उनका जन्म 13 सितंबर 1973 को दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनके पिता उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और माँ नेपाली थी जो दार्जिलिंग में ही रहती थी। महिमा चौधरी की पढ़ाई दार्जिलिंग के मशहूर कॉन्वेंट स्कूल से हुई। उन्होंने 12वीं लोरेटो कॉलेज से पूरी की। इसके बाद लोरेटो कॉलेज से ग्रेजुएशन भी किया। कॉलेज के दौरान ही एक सौंदर्य प्रतियोगिता में उन्होंने जीत हासिल की थी। कॉलेज के बाद वह दिल्ली आ गई। 90 के शुरुआती सालों में उन्होंने कई छोटे बड़े विज्ञापन किए और एक म्यूजिक चैनल पर उन्हें देखकर सुभाष घई ने उनका चयन अपनी फिल्म परदेश के लिए कर लिया था। सुभाष घई ने न सिर्फ महिमा चौधरी को बॉलीवुड में ब्रेक दिलवाया, बल्कि उनका नाम ऋतु चौधरी से बदलकर महिमा चौधरी भी कर दिया। परदेश में वह शाहरुख के ऑपोजिट थी। फिल्म सुपर डुपर हिट रही। फिल्म में महिमा चौधरी के अभिनय की सभी ने सराहना की। भोली सी सूरत और मनमोहक मुस्कान के साथ महिमा चौधरी दर्शकों के दिलों में बैठ गई। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू का अवार्ड भी मिला। इतना ही नहीं, अपनी पहली ही फिल्म में फिल्म फेयर जीतना एक अहम बात है। इसके बाद आई फिल्म दाग द फायर में भी उन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया। फिल्म धड़कन में उन्होंने सह अभिनेत्री का किरदार निभाया था। उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में दिल क्या करे, लज्जा जैसी फिल्में भी शामिल हैं, जिनमें उन्होंने अपने अभिनय से सबका दिल जीता था। लेकिन इसके बाद की सभी फिल्में फ्लॉप ही साबित हुईं। हालांकि कुछ फिल्मों में उन्होंने सह अभिनेत्री के तौर पर बहुत अच्छा काम किया, पर बाद जब लीड हीरोइन की हुई तो फिल्मकारों ने उन पर कभी भरोसा नहीं दिखाया। जैसे कि उनकी फिल्में असफल होने लगीं, निर्माता निर्देशकों ने भी उन्हें भुलाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो पर्दे से गायब हो गईं। कयास लगाए जा रहे हैं कि वह जल्द ही पर्दे पर फिल्म द गैंगस्टर के जरिए वापसी कर सकती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपनी फेवरेट सेलिब्रिटीज के बारे में और भी बहुत सारी रोमांचक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब करें।